बेलगाम के पूर्व महापौर कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए। सदाकत आश्रम में पूर्व महापौर अवधेश यादव को बिहार मामलों के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के अलावा विनोद सिंह राठौर और शकील अहमद ने माला पहनाकर अपने महापरिवार कांग्रेस के महापरिवार में शामिल किया। इस अवसर पर शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि आगामी 3 फरवरी को जन आकांक्षा रैली को सफल बनाने में एकजुट कांग्रेस कार्यकर्ता हो। कि आप कांग्रेस में शामिल हुए? हाँ, कल शामिल हुए हैं। क्या सोचकर कांग्रेस में शामिल हुए? देखिए, पहले तो मैं निर्दलीय सारा काम करता था, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, और आज जो स्थिति है देश में, संविधान खतरे में है, और आप देख रहे हैं कि नौजवानों को जो है दर भर भटक रहे हैं, और स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में जाति जाति में लोग बंटने जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमको लगा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म को से हटकर कार्य करती है, क्यों नहीं उसके सिपाही बनकर मैं उस कार्य को हम भी सफल बनाने में मदद करूं। इसलिए मैं राहुल जी और अभी कल जो ज्वाइन किए हैं प्रियंका गांधी भी नौजवानों का भी यहाँ टोली बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा है। हमको लगता है कि ये पार्टी जो है देश के लिए अच्छा रहेगा और देश की सुरक्षा इसके हाथ में दिया जाए, इसके लिए सिपाही के रूप में मैं कार्य करने के लिए इसमें सदस्यता ग्रहण किया है। आप सदस्यता जो ग्रहण किए वो आप आरा मुख्यालय में किए, शहीद भवन में किए या पटना किए? पटना किए। आरा क्यों नहीं किए? आरा और पटना और आरा में क्या दूरी? नहीं, दूरी के मतलब नहीं है, आप क्या यहाँ के जो शहीद भवन को आपने इग्नोर किया? ये तो इग्नोर नहीं किया, ऐसा कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता भी आपको सदस्यता ग्रहण करा सकता है कहीं भी। कांग्रेस पार्टी का ये जो रूल है हमको दिखने में मिला है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और वहाँ जो है प्रभारी लोग आए थे, हमको लगा कि भाई हम तो आज वहाँ से आने के बाद तो हम बिना आशीर्वाद कर थोड़ी यहाँ अध्यक्ष महोदय से आशीर्वाद लेने जाएंगे। कितने लोगों के साथ आपने पार्टी में शामिल हुए? हमने 50-60 लोगों के साथ गया पार्टी में शामिल। क्या योजना क्या है? नगर निगम महापौर के चुनाव पार्टी बेस पर होने जाएगा उस पर लड़ने के लिए, या विधानसभा? जो पार्टी में जब हमने सदस्यता ग्रहण किया है तो पार्टी में एक सिपाही के रूप में काम करना है, चुनाव लड़ना या ना लड़ना, तो पार्टी के जो पार्टी का सदस्यता ग्रहण, पार्टी जो निर्णय लेगा उसका अनुकूल हमको काम करना है, पार्टी का जो आदेश होगा उसको हमको पूरा करना है।